की शुरुआत में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। तो कवर्धा में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एक तीखा हमला सामने आया है। मंत्री मोहम्मद अकबर पर उन्होंने जमकर हमला बोला, कहा एक अकबर आता है 100 अकबर को बसाता है, अकबर को विदा करो नहीं तो माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी। साथ ही लोरमी में असम के सीएम ने एक बयान दिया, कहा कांग्रेस ने बाबर को पाला, भूपेश ने अकबर को पाला। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। मंत्री मोहम्मद अकबर पर जोरदार हमला बोला गया है। एक अकबर अगर एक जगह में आते हैं, वो अकबर 100 अकबर को बुला के लेके आते हैं, वो बात भूलि है मत। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है वो अकबर को आप लोग विदा कीजिए, नहीं तो ये माँ कौशल्या का भूमि अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है ये अकबर को विदा कीजिए। कांग्रेस ने बाबर को पाला, भूपेश बघेल को, भूपेश बघेल ने अकबर को पाला और हर प्रभु सिर्फ का मंदिर बनाया। यही है कांग्रेस और बीजेपी का डिफरेंस, यही है कांग्रेस और भाजपा का बीच में जो डिफरेंस दिखाई देता है वही दिखाई देता है। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि अक्सर अपने इस तरह के बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले दिए गए उनके दो बयान, चाहे वो कवर्धा की बात हो चाहे लोरमी की हम बात करें, क्या कह सकते हैं कि क्या बीजेपी ध्रुवीकरण को एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? ध्रुवीकरण की कोशिश छत्तीसगढ़ में की जा रही है? देखिए ऋतु, पॉलिटिकल हिंदुत्व ये शब्द का उपयोग मैं इस पूरे डिस्कशन के लिए कर रहा हूँ। पॉलिटिकल हिंदुत्व ये कारण इसलिए कि देखिए कवर्धा कौन सी जगह जहां पर झंडा विवाद हुआ था, कवर्धा कौन सी जगह जहां पर दो समुदायों में झड़प हुई थी और वो झड़प की आंच कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में फैली थी। वहां से मोहम्मद अकबर विधायक हैं, मोहम्मद अकबर के सामने किसने खड़े किया, मोहम्मद अकबर के सामने भारतीय जनता पार्टी ने विजय शर्मा को। विजय शर्मा कौन, जिसने पूरे उस झंडा विवाद जब हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को थाम कर रखा था, भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर थी, विजय शर्मा नेतृत्व कर रहे थे। उस विजय शर्मा के नामांकन में आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो खुद हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता माने जाते हैं, और वहां पर यह बयान देना कि एक अकबर मतलब मोहम्मद अकबर के लिए जो वहां पर वर्तमान में विधायक है, एक अकबर आता है तो 100 अकबर लेकर आता है, मतलब बहुत साफ है कोई भी मुस्लिम अगर विधायक आप बनाते हैं तो वो अपने साथ साथ ऐसे लोगों को वहां पर बसाता है ताकि उनकी कम्युनिटी की संख्या जनसंख्या बढ़ जाए। दूसरी जगह लोरमी वो जाते हैं, लोरमी से कौन, अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वहां से वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी जाकर यही कहा जाता है कि बाबर और अकबर की तुलना की जाती। तो कुल मिलाकर देखिए पॉलिटिकल हिंदुत्व ध्रुवीकरण की कोशिश है, जैसा कि आपने कहा वो जानते हैं कि कवर्धा बेल्ट कितना महत्वपूर्ण है, कवर्धा बेल्ट और साथ साथ कवर्धा से लगा हुआ देखिए पंडरिया के आसपास आप जाते हैं बेमित्रा बेल्ट शुरू होता है, साजा कौन, जहां से ईश्वर साहू को टिकट दिया गया, ईश्वर साहू कौन जिसके बेटे की हत्या एक दो समुदाय की झड़प में हुई थी, उसमें ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे बेल्ट में हिंदुत्व का ध्रुवीकरण कोशिश है, कुल मिलाकर पॉलिटिकल हिंदुत्व की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ये कार्ड यहां पर खेलना चाहती है और बहुत हद तक सफल होती हुई नजर आ रही है। आज हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस प्रकार से बयान दिया है, अभी तो इस पर कांग्रेस का कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया, लेकिन एक बात बहुत साफ है, इस पूरे इलाके में जो जिस प्रकार की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है ध्रुवीकरण की, वो राजनीति यहाँ पर जरूर शुरू हो गई है। बिल्कुल आदित्य जी, और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लेना भी जरूरी है कि कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है, बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया बने रहेगा। लौटूंगी मैं आपके पास। तो इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक विमल चोपड़ा और साथ ही प्रवक्ता है कांग्रेस के नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है भंसाली उस पर। सबसे पहले नितिन जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, किस तरह से देखते हैं इस बयान को, क्या ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्या कुछ मायने इस बयान के निकाले जाए? देखिए सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दे नहीं है। कभी वो इनकी रेणुका सिंह एक है पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो बोलती है कि हाथ एक हाथ काट के दूसरे हाथ में दे दूंगी, कभी बोलती है कि सोनिया गांधी जी को धक्के मारकर भगा देना चाहिए, एक महिला के प्रति बयान, और आज हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि पूर्ण रूप से असम में भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और किस प्रकार सांप्रदायिक दंगे फैलाने के मुद्दों में माहिर है ये किसी से नहीं छुपा है, वो यहाँ पर आकर इस तरीके की बातें कर इस तरीके का बयान देकर कहीं ना कहीं यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा या सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भाजपा का
मूल एजेंडा है। अकबर, बीरबल, ये सब कहाँ से आ रही है ये चीजें? ये चुनाव के मुद्दे हैं क्या? तो मुद्दों पे बात करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं और बेतुकी बातें करके यहाँ पर समय खराब कर रहे प्रदेश की। ठीक है विमल जी से जान लेते फिर आखिर बीजेपी के पास चुनावी मुद्दे क्या है। विमल जी जवाब दीजिएगा, नितिन जी कह रहे हैं कोई मुद्दा बीजेपी के पास बचा नहीं है और इसलिए इस तरह की बातें सामने लाई जा रही है, कोई भी मुद्दा नहीं है, क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे? देखिए ऐसा है, कांग्रेस वाले जो है वो आग बंद करके बैठे हैं। इनके लिए ना धर्मांतरण मुद्दा है, ना इनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है, ना इनके लिए पीएससी का घोटाला मुद्दा है, ना इनके लिए कोयला घोटाला मुद्दा है, ना इनके लिए चावल घोटाला मुद्दा है, क्योंकि ये पूरी तरह से इस प्रकार के अंधकार में डूब चुके हैं। आप ये बताइए, बीरमपुर में ईश्वर साहू के बेटे की हत्या हो गई, क्या आज तक मुख्यमंत्री वहां गए? क्या वहां के मंत्री और विधायक गए? क्या गृह मंत्री जो उस समाज के हैं वो गए? लेकिन लखीमपुर खीरी में जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है वहां किसी की हत्या हो जाती है तो मुख्यमंत्री दौड़े दौड़े जाते हैं, ये कौन सी राजनीति है? और वहां 50 लाख रुपए देकर के आते हैं, छत्तीसगढ़ का लुटा के आते हैं, ये कौन सी राजनीति है? और आप जाकर के कवर्धा में देख लीजिए कि किस प्रकार से वहाँ एक संप्रदाय के लोगों की संख्या बढ़ रही है, कैसे उनको बसाया जा रहा है, ये इनकी आंख में दिखेगा नहीं। जिस दिन छत्तीसगढ़ डूब जाएगा, और ये मैं बता रहा हूँ, टीएससी ने खुद कहा कि अंबिकापुर में रोहिंग्या बस रहे, इसकी कलेक्टर को जांच करनी चाहिए, लेकिन इनके लिए मुद्दा नहीं है, इनके लिए कुछ भी मुद्दा नहीं रहेगा। ये तो भ्रष्टाचार करके जनता को लूटना चाहते हैं। ठीक है विमल जी, आरोप देखिए हमेशा से लगते आए हैं, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगाए, चाहे विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगाए। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। आदित्य जी आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए